आज हम आपके लिए ऐसी चटनी लेकर आए हैं जो हर खाने के स्वाद को, चाट हो या रायता हो, सबके स्वाद को ना चार गुना बढ़ा देगी, जो घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया धनिया, मैंने एक मुट्ठी के करीब धनिया लिया है हरे वाला। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, लेकिन वॉश करने के बाद इसको हमने पंखे के नीचे सुखा लिया है। अब इसमें ज़्यादा नमी नहीं है। और मैंने डंडी समेत लिया है, इसमें पूरा फ्लेवर होता है। इसके साथ ही हमने थोड़े से लिए हैं पुदीने के पत्ते, इसको भी ना वॉश करने के बाद पत्ते पत्ते लिए हैं और थोड़ा सुखा लिया है। और 15 ही मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते, इनको भी मैंने सुखा लिया है। 4 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, और ये जो हरी मिर्ची मैंने ली है ये तीखी वाली हैं, इनको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। और मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हमने लिया है मिक्सी का जार, मैं इसमें ना हरी मिर्ची को छोटा छोटा काट के डाल रही हूँ, जिससे कि पीसने में आसानी हो। और ये देखिए, हमने जो डंडी समेत लिया ना धनिया, इसको भी काट के ही डालना है। देखिए, सभी पत्तेदार जो चीज़ें हैं ना, सबको सुखा जरूर लेना है उसमें। अब इसमें कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं, पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं। देखिए, अब मैं इसमें मेन चीज़ डालने लगी हूँ, भुना हुआ चना। इसके छिलके को मैंने उतार दिया है। अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं है, आप चने की दाल को भूनकर भी डाल सकते हैं। अब एक दो बारी इसको हम चला देंगे। ये मैंने हाफ कप के करीब डाल दिया है, पहले इसको चला लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में डालते हैं। ये देखिए, दो बारी इसको हमने चला लिया। अब इसमें हमने कुछ मसाले भी डालने हैं, जो कि इसके टेस्ट को और बढ़ाएंगे। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। देखिए, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काले वाला नमक, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ नॉर्मल नमक। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टी स्पून हींग। देखिए, अब सब चीज़ों को चला देंगे, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए, पीसने के बाद इसको हमने निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसे प्रिजर्व करने के लिए हम आधा नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको पीसने में ना हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अब इसे थोड़ा हमने ठंडा करना है, क्योंकि मिक्सी में पीसते हुए थोड़ी गर्म हो जाती है। ठंडा करके अगर आप बाहर रखेंगे तो 4-5 दिन तक ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 10 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए, हम झटपट से ना इसके साथ बनाते हैं चटपटी सी भेल। हमने एक कप के करीब लिया मुरमुरे, क्योंकि आज मैं आपको सूखी भेल बना के दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा नमक है। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, इसमें भी नमक होता है। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई करी हुई मूंगफली, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ चना, थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए, मिर्ची आप स्वाद अनुसार डालें, मैंने ना थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है, और ये कम तीखी वाली डाली है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ी सी पापड़ी, जिसे हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। अब जो हमने चटनी पीसी थी ना, वो इसमें डाल देंगे। मैंने तो इसमें 3 चम्मच के करीब ना सूखी चटनी डाल दी है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ फीके वाला सेब। आपके पास कोई भी सेब हो, जैसे आलू का हो, कोई भी हो, आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये बनकर तैयार है हमारी सूखी भेल। अगर आपको गीली भेल चाहिए तो आप इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, जिसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आम की चटनी का भी सीजन है, उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपका रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।